हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आई होप के मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम किशन, आप देख रहे हैं कृष्ण मोटर सर्विस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास देख पा रहे हो, कैलिबर एक है, कावासाकी कैलिबर, काफी पुराना मॉडल है और कंडीशन भी काफी खराब है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, काफी दिन से एक इंजन का आवाज आ रहा था, जैसे कि टाइमिंग चेन का आवाज है, ठीक है। टाइमिंग चेन और कैमरों का थोड़ा बहुत आवाज आ रहा था, जो कि मैं आवाज अभी सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि गाड़ी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम भी कर रहा है। और फ्रेंड्स, जब आवाज आ रहा था तो कस्टमर को मैंने बताया था कि इसका इंजन का काम करवाना पड़ेगा, मतलब टाइमिंग चेन वगैरह इसका काम करवाना पड़ेगा। तो फाइनली आज दिया है मेरे को काम करने के लिए। और एक दो दिन पहले से मतलब इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था, क्या आ रहा था, जो कि मतलब पिकअप नहीं ले रहा था, ठीक है, जैसे कि मिसिंग मार रहा था काफी ज्यादा। और दोस्तों, आज सुबह मेरे पास दे गया तो स्टार्ट जब हम कर रहे हैं बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इससे पहले थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था, एक बार थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था, पर क्या हो रहा, बंद हो जा रहा था। और मैंने किक मार मार के थक गया काफी ज्यादा। और इसका जो किक का जो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये भी टूट चुका है, ठीक है। इस जगह पे होता है किक का पिन जो होता है, ये भी टूट चुका है किक मार मार के। और यहाँ पे स्टॉपर बना हुआ था, ये भी टूट चुका है। और इसका जो एयर फिल्टर है ना फ्रेंड्स, एयर फिल्टर भी देख सकते हो कितना गंदा है। मैंने एयर फिल्टर नया लगाया था तो स्टार्ट होने के बाद फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दोस्तों, मैंने क्या किया, सीडीआई वगैरह भी चेंज किया, जैसे कि करंट जो आ रहा था ना थोड़ा बहुत, जैसे कि मिसिंग वगैरह होता है तो करंट का दिक्कत होता है, पर क्या था, क्या है फ्रेंड्स, करंट का दिक्कत बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, नया सीडीआई लगा के देख लिया, मतलब पुराने गाड़ी का खोल के। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फाइनली हम क्या करेंगे, हेड वाला पोजिशन खोलेंगे, देखेंगे वाल्व में दिक्कत है या नहीं। और कार्बोरेटर भी मैंने बढ़िया से वॉश कर चुका हूं, जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स, ठीक है, कार्बोरेटर भी बढ़िया से एडजस्ट किया हूं, फिर भी काम नहीं बना। और स्टार्टिंग प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा है, एक दो दिन से हो रहा है, ठीक है। और इंजन का जो टाइमिंग चेन का आवाज था वो काफी दिन से हो रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, हेड खोलते हैं और हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा सा की मार के दिखा दो फ्रेंड्स, चाबी ऑन करके। स्टार्ट तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, कंप्रेसर वगैरह बिल्कुल सही है, मतलब मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा बहुत इंजन ऑयल डाला था, फिर भी काम नहीं बना। चलिए हेड खोल के हम देखते क्या किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सीधा हेड खोलने के बाद मिलते हैं और टाइमिंग चेन वगैरह तो चेंज करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो हमने क्या किया, जो टाइमिंग चेन का कवर होता है उसको हमने खोल लिया। और टाइमिंग चेन भी देख पा रहा हूँ वो मतलब टाइट है, शायद काफी अच्छा टाइट है, ठीक है। टाइमिंग चेन का ज्यादा आवाज नहीं है फ्रेंड्स, टाइमिंग चेन मतलब टाइट है। और वैसे इसको देखेंगे, ठीक है, टेंशनर को देखेंगे। और जो कैमरा का है वो काफी ज्यादा लूज है फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो फ्रेंड्स, दोनों साइड का काफी ज्यादा लूज है फ्रेंड्स। आवाज आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, और मतलब कितना ड्राई हो चुका है, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ जो देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा ड्राई हो चुका है। तो इंजन ऑयल सप्लाई सही से हो रहा है या इंजन ऑयल है नहीं अंदर में, वो हम देखेंगे इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद, ठीक है। तो चलिए और खोलते हैं, देखते हैं। और टाइमिंग चेन जैसे कि सही लग रहा है हमको, तो फिर से एक बार दिखा दूं कितना ड्राई हो चुका है, यहाँ पे काफी ज्यादा ड्राई है अभी। तो चलिए और खोलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर में कंडीशन गाड़ी का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंजन ऑयल ड्रेन किया, जैसे कि देख पा रहे हो इंजन ऑयल है ही नहीं इसमें गाड़ी में, ठीक है। और कस्टमर से भी बात हुआ कि इसका इंजन व्हाइट स्मोक वगैरह आता या नहीं, कस्टमर ने कहा बिल्कुल भी व्हाइट स्मोक नहीं आता, ठीक है। तो और हम क्या करेंगे, कस्टमर को बताएंगे कि इस तरीके से इंजन ऑयल का हालत है आपका, ठीक है। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ इसका इंजन का काम होने वाला है, तो पता चलेगा हेड खोलने के बाद। चलिए हेड को खोलते हैं और कस्टमर से बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इंजन पूरी तरीके से हम खोलेंगे हेड को, उसके बाद हम कस्टमर से बात करके फिर पिस्टन का काम करवाएंगे, ठीक है। वैसे तो वाल्व का काम करवाना ही पड़ेगा, चलिए खोल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ इसका जो वाल्व है, वाल्व लीकेज नहीं कर रहा है, ठीक है, वाल्व लीकेज फिलहाल नहीं कर रहा है। और हम क्या करेंगे, वाल्व को ग्राइंडिंग करेंगे, इसी वाल्व को लगाएंगे, खोलते पहले देखते हैं और गाइड को भी चेक करेंगे। और जो पिस्टन है, पिस्टन से भी कंप्रेसर डाउन हो सकता है, ठीक है, कंप्रेसर पिस्टन से भी डाउन होता है, जैसे कि क्योंकि इसके अंदर में बिल्कुल भी इंजन ऑयल है नहीं था। तो हम क्या करेंगे, पिस्टन को भी खोलेंगे कस्टमर से बात करके, ठीक है। तो स्टार्ट तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कार्बोरेटर भी सही था सब कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से बात करके मिलता है फ्रेंड्स आप लोगों से, मैं डिटेल्स में बिल्कुल जेन्युइन से बताऊंगा, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, जो हकीकत है वही मैं बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वाल्व को चेक किया, जैसे कि वाल्व कहीं से भी लीकेज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहाँ से मैं अब बताने वाला हूँ, जैसे कि कैमरा कर को खोल दिया है और इंजन का साउंड जैसे था, ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आएगा जे मतलब कैमरा कर खराब था, ठीक है। ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसका रोकर का हालत देख सकते हो आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स, कितना काट चुका है,
रोकर कट चुका है इस वजह से क्या, सॉरी कैम कट चुका है काफी ज्यादा, इस वजह से क्या हो रहा था, जो हमारा कंप्रेसर था ना बिल्कुल नहीं बन रहा था, जो वाल्व है हमारा वाल्व को काम ही नहीं कर रहा था, मतलब इतना कट चुका है, उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो कैम है और जो रोकर है ठीक है सही से वर्क नहीं कर रहा था इस वजह से। और मैंने आप लोगों को दिखाया था फ्रेंड्स जो वाल्व का क्लीयरेंस कितना था, जो ये जो रोकर जो क्लियर था कितना क्लियर भी उतना नहीं था ठीक है, पता नहीं लग रहा था, उस वजह से क्या था फ्रेंड्स कितना ज्यादा खींच चुका है ठीक है, उस वजह से इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा था ठीक है। ये जो रोकर है थोड़ा सा खींच चुका है, सबसे ज्यादा घिसा ये कैम, क्योंकि ड्राई चलने के कारण ये हो चुका है, जैसे कि इंजन ऑयल भी बिल्कुल है नहीं था फ्रेंड्स देख सकते हो। तो चलिए अब खर्चा थोड़ा सा आ गया ज्यादा, और इंजन का साउंड उतना भी खराब नहीं था जो कि हम लोगों को पता चले कैम रोकर खराब था फ्रेंड्स ठीक है। तो काफी दिन से आवाज आ रहा था थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, तो अगर कैम रोकर जिस तरीके से हालत है काफी ज्यादा आवाज आना चाहिए था। तो चलिए कैम रोकर चेंज करना पड़ेगा और बिल्कुल एंड क्लीन करके हम काम करेंगे, वाल्व को चेंज करेंगे, गाइड को भी चेक करेंगे और पिस्टन को भी हम बढ़िया से चेंज कर देंगे और चेक कर लेंगे एक बार बिगिन का कनेक्टिंग जो है ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स काम करवा के ले आते लेथ के पास, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स।